SN लाइव सच सबसे आगे। सिवान शहर में दिन दहाड़े 15 लाख रुपए की हुई लूट मामले में गिरोह तथा शातिर बदमाशों की हुई पहचान। सिवान शहर के राजेंद्र पथ स्थित महाराणा ऑटोमोबाइल के कर्मी से व्यस्ततम इलाके में फिल्मी अंदाज में दिन दहाड़े 15 लाख नगद और स्कूटी की हुई लूट के मामले में प्रबंधक सत्येंद्र वर्मा द्वारा नगर थाने में अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। उधर SP शैलेश कुमार सिन्हा के दिशा निर्देश के आलोक में गठित पुलिस टीम ने लूटकांड में शामिल अपराधियों और उसके गिरोह की पहचान भी कर ली है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि गठित पुलिस टीम अपराधियों के गिरेबान तक पहुंच चुकी है और जल्द से जल्द घटना में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी कर घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक घटना के 24 घंटे बाद भी पुलिस घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं कर सकी है। गिरफ्तारी टीम में लगे पुलिस कर्मियों का कहना है कि घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया है। सीसीटीवी फुटेज खंगालने के दौरान कई ऐसे तथ्य हाथ लगे हैं और तथ्यों के आधार पर अपराधियों की गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। गिरफ्तारी टीम में लगे पुलिसकर्मियों से आगे पूछताछ किए जाने पर सभी पुलिसकर्मी अनुसंधान प्रभावित होने का हवाला देते हुए आगे कुछ भी बताने से अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ हर हाल में घटना में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए भी पुलिस दावा कर रही है। यहां बताते चले कि सोमवार को दिन दहाड़े महाराणा ऑटोमोबाइल के प्रबंधक सत्येंद्र कुमार वर्मा, सेल्समैन जो ओम प्रकाश के साथ 15 लाख रुपए नगद स्कूटी के डिक्की में लेकर बबुनिया मोड़ स्थित कैनरा बैंक में जमा करने जा रहे थे। इसी दौरान 3 बाइक पर सवार 6 हथियारबंद बेखौफ बदमाशों ने स्कूटी सहित नगद 15 लाख रुपए लूट ली और इतना व्यस्ततम इलाका होने के बावजूद भी अपराधी आसानी से भाग निकले। उधर घटना की सूचना जैसे ही नगर थाने की पुलिस को लगी तो आनन फानन में तुरंत पुलिस टीम मौके वारदात पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी और देखते ही देखते घटना स्थल तथा उसके आसपास का इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया और पूरे शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर लोग चर्चा करने लगे। बहरहाल मामला जो हो, SP शैलेश कुमार सिन्हा द्वारा गठित पुलिस टीम में कई ऐसे तेजतर्रार पुलिस अधिकारी घटना का खुलासा करने के लिए लगाया गया है, जिसका नेतृत्व सदर SDPO अशोक कुमार आजाद कर रहे हैं। गठित पुलिस टीम में GB नगर थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर अखिलेश कुमार समेत कई पदाधिकारी शामिल हैं। टीम में शामिल पुलिस पदाधिकारियों के ऊपर सिवान शहरवासियों की निगाहें टिकी हुई है और लोगों को उम्मीद भी है कि हर हाल में जिस तरह पुलिस टीम मामले का खुलासा कर लेने का दावा कर रही है, पुलिस टीम का उपरोक्त दावा से कहीं दूर दूर तक इनकार नहीं किया जा सकता है। सिवान सेशन लाइव के लिए परवेज अख्तर की रिपोर्ट। कैरियर में भरे ऊंची उड़ान श्रेया मरीन अकेडमी के संग, एकमात्र ऐसा संस्थान जहां से आप 3 साल में अपने सपनों को कर सकते हैं पूरा। इसके साथ ही छात्रों को मिलेगी 8 से 12 हजार रुपए तक की छात्रवृत्ति 3 साल तक हर महीने। 10वीं 12वीं पास छात्रों के लिए है सुनहरा मौका, तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए। हमारा संपर्क नंबर है 9576888811। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।